तो हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मेरे इस पे 2 बार वो आ चुका है, मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन पहले तो सक्सेसफुल हो गया था। एक आप देख सकते हैं, मेरा 2 बार रिजेक्ट भी किया है। मैं क्या बताऊँ, मेरे थोड़े से गलती की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पहले तो टेम्परेरी ऐड लिमिट आ चुका है मेरे इसी पे। ठीक, ऐड लिमिट तो आ चुका है भाई साहब। उसके बाद फिर ये नीट वेरिफिकेशन के लिए भी, ये देखिए इंस्टॉल मैच मैच नहीं कर रहा है। ठीक, आईडी मैच नहीं कर रही। मैं जो नाम है मैंने गलत थोड़ा सा टाइप कर दिया था, वो मेरा मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए, आप सब देख सकते हैं, वेरिफिकेशन फेल बता दिया। पेमेंट पेज पे मेरा जो कि है नाम सही से मैच नहीं कर रहा था। तो मेरी गलती कहाँ पे है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ मेरा रिजेक्ट क्यों किया था। मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, मेरी गलती मुझे कहाँ मिली पहले ये देखिए आप सब। ठीक, मैंने पेमेंट ऑप्शन फिर से सही से किया। ठीक, मैंने गलत भी किया था उसमें, थोड़ा सा सही भी किया। पहले मैंने जयप्रकाश के नाम से किया था। मेरा जो पैन कार्ड था, आइडेंटिटी मेरी जो थी वो जयप्रकाश के नाम से थी। तो वहाँ पे थोड़ी मेरी गलती ये भी हो गई, मैं जयप्रकाश का जो बनाया था आईडी, वहाँ पे नेम में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से भी देखिए, मैं क्लोज किया पेमेंट ऑप्शन, फिर से मैंने एक्सेप्ट किया उसको, फिर भी फिर से मैंने अप्लाई किया था। फिर यहाँ पे देखिए लिखा, फिर से मैच नहीं किया। तो मैच कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, आप ये सब देख लीजिए। मेरा जो सेकंड पैन कार्ड था वो मेरा हिमांशु पांचाल के नाम से था। ठीक, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई पहले किया नाम को, फिर गूगल एड पेमेंट वाले ऑप्शन में भी नाम मैंने वेरीफाई किया, फिर मेरा ये सक्सेस हो गया। आप सब देख सकते हैं, सक्सेस हो गया। ठीक, तो इसमें थोड़ी सी बात ये है, यहाँ पे मेरा फिर बाद में दिखा वेरीफाई योर एड्रेस टू रिसीव पेमेंट एड्रेस फ्रॉम गूगल एडसेंस। ठीक, तो यहाँ पे देखो मुझे बता रहा है कि मुझे पिन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन योर एडसेंस अकाउंट गो टू पेमेंट प्रोफाइल। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पेमेंट प्रोफाइल, ठीक, ये मुझे बता रहा है कि पेमेंट प्रोफाइल पे आप सब जाएं, उसके बाद क्लिक नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस। मुझे नेम और एड्रेस सेम लिखना है। एड्रेस तो आपको जहाँ पे पिन मंगाना है वही रहेगा, नेम आपका वही रहेगा जो पैन कार्ड में होगा या फिर आपके आइडेंटिटी में जो होगा। और मेरी सलाह तो यही है आप सबसे कि पैन कार्ड ज़्यादातर यूज करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपडेट योर पेमेंट एड्रेस, पेमेंट एड्रेस में भी आपको अपडेट करना है। तो इसको देख लीजिए, क्लिक सेव, सेव कर दीजिए। उसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से मुझे आइडेंटिटी वेरीफाई, पहले तो आप ये वेलकम, यहाँ पे पहले आपको नाम लिखना है। ठीक, नाम आपका यहाँ पे रहना चाहिए, जो आप पैन कार्ड एड्रेस डाले होंगे या फिर जो नाम वो नाम रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेमेंट एड्रेस, ये मेरा दिखा रहा है ना, मैं इसको सही कर लूँगा। मैनेज सेटिंग में जाइए, तो यहाँ पे आपको पेमेंट एड्रेस सही लिखना है, इसमें कोई गलती ना हो आपकी। ये आपको पता, जिस नाम से आपका पैन कार्ड आप अप्लाई किए वो नाम रहेगा ऊपर, फिर आपका एड्रेस पूरा, मोबाइल नंबर भी हो सके तो डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं होता बट इम्पॉर्टेंट भी होता है बहुत ही ज़्यादा। फिर मैनेज पेमेंट सेटिंग पे जाइए, यहाँ भी आपको वही नेम डालना है जिस नाम से अकाउंट में आइए। अकाउंट के 2 रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बिजनेस डोमेन डालना है। मेरा डोमेन तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ,
पर्सनल सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे आपको वो नाम डालना, मेरा आइडेंटिटी ईमेल तो है दूसरा है पर मेरा ये रहेगा, ठीक। मैं इसको होम कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा, ये वेरिफिकेशन अभी हट जाएगा कुछ देर में क्योंकि मैंने एडिट कर चुका हूँ पहले से। मेरा ऐड लिमिट भी आया और पिन देखिए मेरा पोस्ट हो चुका है 15 तारीख को और आज डेट है 18 तारीख, तो इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे पिन मांगता है, ठीक। कैंसिल तो कर नहीं सकते, फीडबैक डाल सकते हैं लेकिन फीडबैक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर कैंसिल भी करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेरीफाई हो जाएगा एक्शन, तो आप परेशान मत होइए। पिन वेरीफाई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पिन आपको कैसे सबमिट करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। कमेंट ज़रूर करिए, मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट ज़रूर करिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, या फिर मेरी कैसी वीडियो बन रही है, मुझे वीडियो में कैसा अच्छा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो ज़रूर। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।